ऐसे ही मुझे स्मरण आ गया तो मैंने गा लिया आपके साथ। हाँ, तुम किस विषय पर बात कर रहे थे? मैंने चर्चा कहाँ थी? हाँ ठीक है, आपको आप ही ने तो कहा था बस बह जाओ। पहली बार आज बोले ये? आज तक कभी इन्होंने जवाब नहीं दिया सवाल का, कभी प्रश्न का उत्तर इधर से नहीं आया, आज पहली बार आया है और उत्तर भी क्या आया है, बोले चौकीदार। पहली बार, अब इनकी तरफ से पहली बार बात आई है तो मुझे कंसीडर कर लेना चाहिए चौकीदार को भी। खैर भाई, राजनीति मेरा विषय नहीं है, मैंने कभी व्यासपीठ से स्पर्श भी नहीं किया इस विषय का, मुझे समझ भी नहीं है, और जिस विषय की समझ ना हो उस पर कुछ कहना भी नहीं चाहिए। हाँ, पर अभी भी कहा, फिर कह रहा हूं कि भारत देश का नागरिक होने के नाते विचार रखने का अधिकार जरूर है मुझे, और मेरे विचार से भाई जो चौकीदार है उस पर इतना विश्वास तो किया जा सकता है कि वो कभी देश का अहित नहीं होने देगा। और तो भाई, मैंने कल भी कहा था, अपन तो भाई ना राज्य सरकार के अफसर हैं और ना केंद्र सरकार के, हम तो साहिब की कृपा से अपनी सच्ची सरकार के सेवक हैं, है ना। पर फिर भी इतना मुझे लगता है, आप लोगों ने कहा इसीलिए कह दिया मैंने, पर मेरी बात का उत्तर तो आपको फिर भी देना पड़ेगा, हम थे कहां? बोलिए बोलिए। मंत्र, बहुत धन्यवाद आपका कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, हम लोग मंत्र पर थे। मंत्र अर्थात केवल और एक सकाम अनुष्ठान होता है जो किसी कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसमें विधि होती है, निषेध होता है। मंत्र का अपना एक स्वरूप होता है, मंत्र का अपना एक ऋषि होता है, एक देवता होता है, उसको जपने की एक विधि होती है। पर यहां जब हम गुरु महाराज की वाणी का चिंतन कर रहे हैं और यहां उद्देश्य कुछ और नहीं है, यहां उद्देश्य कुछ और नहीं है, कृपा जल दे नानक सारंग को हुए जाते तेरे नाम आसा। तो यहां मंत्र का अर्थ कुछ और है। महाराज ने तो प्रथम ही शब्द में संकेत कर दिया, एक ओंकार सतनाम, जो सत्य नाम है। और सत्य का गुण क्या है? जो आद सच, जुगाद सच, है भी सच और नानक होसी भी सच। बड़ी भूल होती है भक्ति का स्वरूप समझने में, इसीलिए करते करते भी चलते आप हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं, चलते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। कुछ मिलता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप जो करते हो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ मिलता है, अवश्य मिलता होगा। किसी की भी पूजा करोगे, आराधना करोगे, उपासना करोगे, कर्म कांड भी करोगे, अरे तंत्र मंत्र वाले को भी कुछ मिलता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्य हम, जहां की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप आधा अधूरा करोगे तो कुछ आधा अधूरा आपको मिलेगा भी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप में से कुछ लोग जिम जाते होंगे ना, तो वहां पर एक यंत्र होता है, एक मशीन जिसको कहते हैं ट्रेडमिल, भागता है उस पर चढ़कर व्यक्ति। अब वो भागता है, वो दौड़ता है, वो जहां चढ़ता है वहीं उतरता है। फिर पूछा जाता है कितना दौड़े, बोले 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब वो दौड़ा भी है, वो 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ा है, लेकिन जहां चढ़ा वहीं उतरा। ऐसा नहीं कि उसको कुछ नहीं मिला, बेचारे ने पसीना बहाया है, परिश्रम किया है, ऐसा थोड़ी कि उसको कुछ नहीं मिलेगा।
फैट लॉस हो रहा है, फिट हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। तो ऐसे ही भक्ति के विशुद्ध स्वरूप को न समझने के कारण जो आधा अधूरा प्रयास आप करते हैं, कुछ मिलता है उससे, कुछ आपको भी मिलता है, जैसा आप प्रयास करते हैं वैसा आपको मिलता है, लेकिन जो उद्देश्य है कहीं पहुंचना, वो सफल सार्थक नहीं होता। तो यहां महाराज निवेदन कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कल से मैं बार बार आपको निवेदन कर रहा हूं कि जब महाराज गुरु कहते हैं तो महाराज ने गुरु कहा, जब जब गुरु कहा तब तब साथ में संकेत कर दिया, स्पष्ट कर दिया, गुरुपुरा पाइए बड़ भागी, गुरुपुरा कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी जित तुम्हारे द्वारे आया, नानक को प्रभु भय कृपाला सतगुरु पूरा आया, सतगुरु पूरा आया, सतगुरु पूरा पाया। फिर गुरु का गुण भी बताया, उसका लक्षण, चतुर दिशा कीन्हो बल अपनो सिर ऊपर करता रहो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीन्हो दास को दुख बिना रहो, गुरु पूरा पाइए बड़ भागी, और गुरु की सेवा दुख न लागी। और फिर जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख ना सा। देखो मैंने कहा कि वेदों का उपनिषदों का जो तात्पर्य है, जो वो परम ज्ञान है, जो वो विशुद्ध ज्ञान है, जो जीव का जीवत्व भंग करने के लिए अपेक्षित है, मैंने कहा ना जानकारी आपको मुझे सबको है पर ज्ञान, तो ये जो गुरु साहेब की जो वाणी है, ये वही ज्ञान जो उपनिषदों में रहस्य बनकर छिपा हुआ था आपको और मुझे प्रदान करने के लिए, ये अनुग्रह, ये प्रसाद है, ये प्रसाद की वाणी है, ये वाणी प्रसाद है, गुरु प्रसाद, जो उपनिषदों का रहस्य छिप गया था कहीं, जनमानस की पहुंच से दूर हो गया था उसकी भाषा के कारण, कुछ लोगों ने एकाधिकार कर लिया था उस पर, और ऐसे समय में महाराज का अवतरण होता है जीव को वो सत्य मार्ग देने के लिए, वो सत्य का मार्ग। इसीलिए अनुभूति के पश्चात जो सबसे पहला शब्द महाराज के मुख से निसृत होता है, एक ओंकार, सतनाम, सत्य, और फिर सत्य का स्वरूप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, वैसा सत्य। इसलिए आज मैंने चर्चा आरंभ की, कहे कथा और अर्थ बिचारे आप तरे और अनको कहरे दास मिले हरिदासा जन्म जन्म की पूरी आसा, जन्म जन्म की पूरी आसा। तो अगर महाराज का दर्शन मैं यदि निवेदन करूं अपनी अपनी थोड़ी सी बुद्धि से, तो मुझे लगता है जो निष्ठा श्री गुरु साहेब कहते हैं, वो निष्ठा किस में हो, वो निष्ठा नाम में हो। अण बोलत मेरी बिरथा जानी, और उसकी कृपा, उसकी रहमत, उसका प्रसाद क्या मिला,
अपना नाम जपा। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर पंचामृत है कोई इस कुंभ में, इस वाणी के अमृत कुंभ में अगर कोई पंचामृत भरा है तो वो गुरु है, वो सत्संग है, वो सेवा है, वो सुमिरन है और उसका प्रीतम है, उसका प्रियतम है। तो मंत्र की बात हो रही थी, मंत्र अर्थात जो मन को तर कर दे, तर अर्थात द्रवित कर दे। देखो आप आते हो यहां पर आकर बैठते हो तो थोड़ा सा समय लगता है ना यहां की भाव भावना में रमने के लिए। अब ये तो भाई समय की व्यवस्था ऐसी है, थोड़ी देर के लिए आप लोग और मैं यहां पर आकर बैठते हैं, चर्चा करके उठ जाते हैं। पर आप देखो, आप यहां पर आते ही संसार के व्यवहार से जब आप आते हो तो बैठते ही आपके पास वो ग्राह्य क्षमता नहीं होती कि आप यहाँ की भावना को ग्रहण कर सकें, स्वीकार कर सकें। थोड़ा समय लगता है, थोड़ा नाम जपाया जाता है, थोड़ा कीर्तन कराया जाता है। किस लिए? कि यहाँ की भाव भावना में रम जाएं आप। जब जब संसार से आते हैं आप तो चित्त पे एक जड़ता होती है। मंत्र क्या है? मंत्र किस लिए है? जो मन की चित्त की उस जड़ता को दूर कर दे। अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल सारा। जो आपके मन की चित्त की जो जड़ता है उस जड़ता को दूर करे, इसका नाम मंत्र है। जो मन को तर कर दे, भिगो दे आपको भीतर से, जो भिगो दे आपको भीतर से। और यही याचना महाराज परमेश्वर से करते हैं। हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनोन दिनों मोहि आहे प्यासा। होए जाते तेरे नाम वासा, हुए जाते तेरे नाम वासा। जिस समय गुरु साहिब का अवतरण हुआ, रूढ़ियों से बंधा था समाज, कुछ एक लोगों का एकाधिकार हो गया था धर्म पर, कैसी कैसी कुरीतियां समाज में प्रचलित हो रही थी, छुआछूत, अस्पृश्यता, कुछ लोगों ने अधिकार कर लिया था धर्म पर, उस गहन अंधकार के युग में महाराज के रूप में ये प्रेम ज्योति प्रकट हुई, जिसके आलोक से आज तक संसार आलोकित हो रहा है। कल भी मैंने आपको कहा था, एक 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 सुख है, एक दुख है, लेकिन महाराज जिस सुख की बात करते हैं वो सुख और दुख से परे का आनंद है। इसीलिए तब से लेकर अब तक सच्चा सुख है, इसीलिए तो कल भी था, आज भी है, और जब तक आप और मैं गाएंगे। सुख पाया सुख पाया, रे तेरी सुख पा, सुख पाया सुख पाया। हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनोन दिनों मोहि आहे प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जा तेरे नाम वासा। सांस सांस नस नस से रसे, ऐसा नाम सुमिरन महाराज की वाणी कहती है। हरि को नाम सदा सुखदाई। अगर वाणी का एक एक दिग्दर्शन किया जाए तो महाराज का धर्म ही है नाम सुमिरन, सेवा और सत्संग। इसीलिए मैंने कहा यदि कोई पंच तत्व इस वाणी में है तो गुरु है और एक और प्रियतम है, और गुरु और प्रियतम के बीच में यदि कुछ है तो वो सत्संग है, सेवा है और सुमिरन है। साध संगत
और गुरु सेवा और हरि को नाम सदा सुखदाय, जापो सिमर अजामिल उधरयो गणिका हूँ गति पाई, हरि को नाम सदा सुखदाय। तो मंत्र वो जो जो चित्त की जड़ता को दूर करे, इसीलिए मैंने कहा मंत्र अधिकारी व्यक्ति से लिया हो तब वो कार्य करता है। मंत्र देने वाले के पास मंत्र देने का अधिकार भी हो, उसने उस नाम की महिमा का अनुभव किया हो, तब वो मंत्र कार्य करेगा। और मैं फिर कह दूं, यदि गुरु पूरा है तो वो एक शब्द भी कहेगा तो मंत्र है। गुरु का शब्द नाम एटक हुई, गुरु का एक शब्द वो आपके मन बुद्धि चित्त के समस्त आवरणों को भंग करता हुआ। कल भी मैंने आपको स्मरण हो तो कहा था, इस संसार में कुछ ऐसा है, इस संसार में कुछ ऐसा है जो मन का रंजन करता है, कुछ कुछ बुद्धि को चमत्कृत करता है, पर संत की वाणी का क्या गुण है, वो सीधे आपकी आत्मा का स्पर्श करती है। गुरु का जो शब्द है वो सीधे आपकी आत्मा को आलोकित करता है। अंधकार वह गुरु मंत्र उजारा, कितना बड़ा सूत्र वाणी दे रही है कि इस पग पथ पर अंधेरा होगा, क्योंकि क्या पहली बार जा रहे हैं, पथ नहीं सूझेगा, पथ नहीं सूझेगा। सखी संग आऊं काना लाज मोहे लागे, सखी संग आऊं काना लाज मोहे लागे, अकेले आऊं अकेली आऊं तो जाए नगरी बड़ी दूर नगरी। और ज्ञानी को रास्ता खोजना पड़ता है, कर्मकांडी के मार्ग भाग्य में केवल भटकना लिखा रहता है, कर्मकांडी के भाग्य में केवल भटकना है। भक्त है वो ना तो रास्ता खोजता है और ना भटकता है, वो तो जहां चल दे बस वही रास्ता बन जाता है, कह तो वो प्रभु तक पहुंच जाता है और नहीं तो प्रभु कृपा करके उस तक आ जाते हैं। ये भक्ति की महिमा है। और यहीं से कल मैंने कहा था महाराज की वाणी का जो जो स्वर है, जैसे राग में एक स्वर होता है ना, मुख्य स्वर होता है, संवादी वादी स्वर कहते हैं, वादी स्वर। तो महाराज की वाणी का जो स्वर है, इस प्रेम के राग का जो स्वर है, वो समर्पण है। ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, सार ना जाना तेरी। इसे विनम्रता कहते हैं। यद्यपि महाराज जानने के बाद कह रहे हैं, जानने के बाद कहा है उन्होंने, ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, सार ना जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिस कल राखी मेरी, जिस कल राखी मेरी। मंत्र क्या जिसका स्पर्श पाते ही जग जाए चेतना और उत्तर मिले आपको अपने 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 उर अंतर से, आपकी अंतर आत्मा कहे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे हो, बलि जाओ
रमैया तोरे हो बल जा। और एक और बड़ी सुंदर बात मैंने अनुभव की, वाणी का दर्शन करते करते एक बड़ी सुंदर बात मैंने अनुभव की कि समर्पण से ही आरंभ है, और सिद्धि के बाद भी, उपासना सिद्ध हो जाने के बाद भी जो स्वर फूटा हृदय से वो क्या है, तोरी न टूटे छोरी न छूटे ऐसी माधव किंच कनी म्यूलालन सो प्रीत बनी। उपासना की सिद्धि के बाद भी जो स्वर है, इसीलिए मैंने कहा ये महाराज की वाणी का जो जिस प्रेम के राग में उन्होंने ये गाया है। देखो भाई, मैं छोटा सा एक अपना अनुभव आपसे कहूं कि मैं कोई वाणी का विद्वान नहीं हूं। मैंने कल ही आपसे कहा कि मुझे बचपन से एक ऐसा संस्कार मिला कि वाणी के साथ मन का भाव जुड़ा रहा, इसलिए बहुत भिन्न परिवेश में रहते हुए भी और उपासना की परिपाटी भी थोड़ी अलग होते हुए भी इस वाणी के साथ मन का एक तार सदा जुड़ा रहा कि कहीं पर भी वाणी का शब्द अगर कान में पड़ा तो उसका परिणाम आया कि मन और नेत्र दोनों भाव के जल से भर गए। इसीलिए मैंने आपको और ये दो पंक्तियां मैंने आपको चुन कर दी कि महाराज के चरणों में यही विनती करना, यही अर्ज करना कि सतगुरु की दया मेहर हो और इस पंच दिवसीय इस भावधारा में गोता लगाने के परिणाम स्वरूप आपको यही प्रसाद मिले। हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनोमन दिनों मोहि आहे प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को हुए जाते तेरे नाम वासा। मुझे तो भाई मैंने कहा ना जब मैंने पहली बार सुना तो कितने दिन मेरा मन इसी चिंतन में रहा। अभी भी जब जब गाता हूं तो ऐसे लगता है कि मन प्राणों को खींचता है, कोई मन के सारे तार झनकृत हो जाएं, कुछ ऐसा है इन शब्दों में। हुए जाते तेरे नाम वासा हुए जाते तेरे नाम वासा। विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम। और एक और बड़ी अद्भुत बात जो दर्शनीय है वाणी में कि विशुद्ध भक्ति पर कैसी ज्ञान से विभूषित, कहीं पर भी भक्ति की भावना जो है वो भटकती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी आपको। प्राय करके क्या होता है, प्रज्ञा के अभाव में भावुकता भटक जाती है। मैं कीर्तन कराना शुरू करता हूं, आप उठकर नाचना शुरू कर देते हैं, ये भटकी हुई भावुकता है। भाव इस प्रकार प्रदर्शन करने के लिए नहीं होता। प्रेम तो केवल प्रियतम के लिए है, प्रियतम प्रेम ही ते पहिए, प्रदर्शन के लिए नहीं है। इस भाव का तो जितना हो सके गोपन करना चाहिए, छिपाना चाहिए अपनी भावना को। और बस एक छोटी सी बात निवेदन करके फिर मैं विराम की ओर चलूं। मंत्र की बात मैं कर रहा था कि अधिकारी हो तो मंत्र कार्य करता है, और अधिकारी कौन है जिसने अनुभव किया है, वो किसी भी गुण का हो, किसी भी जात का हो, ऊंच नीच घर औतरे पे रहे संत का संत। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। रैदास जी महाराज तो संसार में कहते हैं, ओछी हमरी जात है ओछा कर्म हमार, नीचे को प्रभ ऊंच कियो है कर दास विचार, कर दास विचार। जहाँ की छूत जगत को लागे तापे तू ही टरे, और नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद
काहू पे न डरे, ऐसी लाल तुदबिन कौन करे। जिसको उसकी इस कृपा का, जिसको उसकी इस महिमा का बोध हो गया हो, वो गुरु है, गुरु पूरा, जिसको अनुभव है। और आपको एक और बात बताऊं कि भक्ति कोई प्रलोभन नहीं है, कोई झांसा नहीं देती भक्ति आपको, ले बेटा कर माला, तुझे मिलेगा। क्या मिलेगा? जो मुझे नहीं मिला वो तुझे मिलेगा। कैसे मिलेगा? अपनी वस्तु से। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, चलो आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं ताजमहल आपके नाम कर दूं, आपसे ले लूं जो लेना है, देखो ताजमहल तुम्हारा, तो ये क्या होगा? आईपीसी के तहत इसको 420 कहते हैं, ठीक है ना, धोखाधड़ी, इस 420 इट्स ए पनिशेबल ऑफेंस एंड वंस आई कॉट आई विल बी पनिश्ड फॉर दिस। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, बिल्कुल ठीक ऐसी ही घटना घटती है। जिस वस्तु पर मेरा अधिकार नहीं है वो वस्तु मैं आपको कैसे दे सकता हूं? जिस मंत्र पर मेरा अधिकार नहीं है, जिस मंत्र की शक्ति पर मेरा अधिकार नहीं है, वो मैं आपको कैसे दे सकता हूं? इसीलिए मेरे पास कितने भटके हुए लोग आते हैं, कितने लोगों के प्रश्न आते, बोले महाराज मंत्र लिया लेकिन कुछ हुआ नहीं, कैसे होता? इसीलिए मैंने कहा, और विश्वास करना, जान लेना, मान लेना, पहचान लेना, कान लगाकर, ध्यान लगाकर, जैसे सुनो सुनना, कि अधिकारी है तो उसका एक शब्द आपको पार लगा देगा, और अनअधिकारी है तो माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, और कर का मन का ढार दे, मन का फेर। अरे गुरु से आपको नाम मिला है, गुरु ने नाम का अमृत आपको पिलाया है, उसके बाद जीवन में कोई परिवर्तन ना आए कैसे संभव है? संसार ना छूटे कैसे संभव है? इसीलिए मैं तो यही कहूंगा भाई आपसे, जब तक न मिले गुरु, जब तक गुरु पूरा, जब तक इतने बड़भागी ना हो जाए आप और मैं कि न मिले पूरा गुरु, जिसके चरणों में माथा रखते ही आप भी उल्लास से गा सकें, आपके मन में उत्सव घटे और आप कहें कुर्बान जाऊं सोवेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया, नानक को प्रभ पे कृपा तब तक वाणी के इन स्वरों में स्वर मिलाकर बस यही बेनती करना, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गा। मुझे कुछ दिन पूर्व किसी ने कहा कि आप वाणी पर चर्चा करने जा रहे हैं तो कुछ नियम है, कुछ मर्यादा है। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि आप सब सिर ढककर बैठे हैं और मर्यादा से गुरु साहिब की इस वाणी का प्रसाद पा रहे हैं। एक और बात मुझसे किसी ने कही कि ताली बजाना निषेध है जब शब्द का कीर्तन हो, तो पहले तो मुझे भी समझ नहीं आया, फिर मैंने पूछा, वो विद्वान व्यक्ति थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात मुझे कही। उन्होंने कहा नाम का कीर्तन दूसरी बात है, पर जो वाणी है, जो शब्द है, वो भीतर उतरने के लिए है और आपको भीतर उतार देने के लिए है। इसलिए वाणी का श्रवण करने की विधि यही है, नेत्र मूंद कर, सब ओर से दृष्टि हटाकर गान करिए, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा।
रघुनाथ जी ने दो स्थान पर भक्ति का उपदेश किया है, एक तो शबरी को किया, कई बार आपके साथ चर्चा हुई, एक स्थान पर उत्तरकांड में भगवान भक्ति का उपदेश करते हैं और कहते हैं, कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा, न योग न यज्ञ न जप तप और न व्रत पूजा। अब भगवान कह रहे हैं तो भाई कोई इस पर प्रश्न नहीं कर सकता कि कहीं कोई जोगी जपी तपस्वी नाराज हो जाए, पर मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं, जोग न जप तप मख उपवासा। फिर विधि क्या है, कहा हूं भगति पथ कवन प्रयासा, फिर भक्ति कहते किसे हैं, कैसी है वो भावना। तो भगवान उत्तर देते हैं कि जथा लाभ संतोष सदाई, शुक्रिया शुक्राना कि तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, इसीलिए कल प्रथम दिन था और मैंने कहा था संतोष से जीवन में भजन का आरंभ होता है। अगर पहली बार प्रसन्नता से परिचय होता है जीव का तो वो इसी संतोष के भाव में होता है। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। यहां से प्रेम की गली है, यहां से प्रवेश किया जाता है, मस्तक झुकाकर, सिर झुकाकर, ये दरबार में जाने का अदब है। इस प्रकार से भीतर जाया जाता है और भगवान भी कह रहे जथा लाभ संतोष सदाई, और फिर भगवान कहते सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई, और अधिक कहूं का कथा बढ़ाई। भगवान ने कहा और अधिक क्या कहूं, यही आचरण बस में भाई, बस इसी आचरण करने वाले के मैं बस में रहता हूं। जथा लाभ संतोष सदाई, सरल हृदय नहीं मन कुटिला। लेकिन भाई ये सरल कहना जितना सरल है होना उतना ही कठिन। अगर कोई पूछे इस संसार में सबसे कठिन क्या है तो कह दो सरल होना सबसे कठिन है। भगवान बड़े चतुर हैं, सीधे बस कह दिए, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बोले इसके लिए हम कुछ नहीं कहते। भगवान ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पर भाई वो कपट छल कहीं से आया नहीं है, वो कपट छल तो जीव का स्वभाव है, वो कपट छल तो जीव के स्वभाव में है। और कहते हैं कि बुद्धि में कोई विकार आ जाए तो उसको समझा बुझाकर दूर किया जा सकता है, पर स्वभाव में कोई विकृति हो वो दूर नहीं की जा सकती। अब कैसे कोई कह दे कि लहसुन की कली से दुर्गंध ना आए, वो भाई उसका स्वभाव है, उसी के साथ उत्पन्न हुई है वो। ऐसे जन्म जन्मांतर से ये कुटिलता ये छल कपट ये जीव का स्वभाव है, इसे कैसे, इस विकृति से कैसे मुक्ति मिले। महाराज उत्तर देते हैं, इसका समाधान करते हैं, इसका कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। महाराज उत्तर देते हैं इसका, तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, मन निर्मल
संता तू रे मन निर्मल होए संता तू रे। चरण कमल शरण टेक ऊंच मूंच बेअंत ठाकर सर्व ऊपर तू ही एक प्राण आधार दुख बिदार देन हार बुध विवेक और संत चरण रेन मंजन नानक पावे सुख अनेक। आप और मैं गाते हैं ना माधो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे ध्यान अटल सुल्तान जीव जंत सब भाखे जीव जंत सब भाखे कह नानक हम यही हवाले राखो संतन पाछे राखो संतन के पाछे माधो हम ऐसे पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। तो तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे तेरी शरण सुना रहा हूं मैं सुनाने वाला कौन। इस समय तो आप और मैं दोनों ही
गुरु चरणों की सन्निधि में बैठे हैं, गुरु महाराज की सन्निधि है, ये गुरु महाराज की सन्निधि है। मैंने कहा था आप गाएंगे, क्योंकि महाराज का धर्म है, गुण गाया है। आज तक अध्यावधि मुझे कितने लोग कहते, बोले महाराज कभी कभी समझ नहीं आता, पर फिर भी आत्मा को बड़ा सुख मिलता है सुनकर। अध्यावधि महाराज की उस परंपरा से आज तक गान हो रहा है, इन शब्दों का, इन शब्दों में सत्य चित्त आनंद की वो चेतना छिपी है, कहीं स्पर्श करेगी आपका। जो बैठे हैं ना कुर्सियों पे यहां ऐसे करके, ये गुरु चरणों में बैठने का अदब नहीं है। आप नहीं बैठ सकते नीचे, कोई बात नहीं, पर फिर भी दो शब्द मुख तो उचार लो पाई, तुसी भी उचार लो। कर कृपा तेरे गुणगान, 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 कर कृपा तेरे कह रहा, वाणी ही कह रही है, कहां मैं आता और कहां आप आते और कहां ये सुयोग बनता। तुम्हारी कृपा ते तुद पछाणा, तू मेरी ओट, तू है मेरा मां, सब किछ चीता तेरा होवे, सब किछ चीता तेरा होवे, ना ही नि किछ असाड़ा जी, तू मेरा राखा सबनी चरणों की पावन स्मृति सुमिरन करते हुए, गुरु चरणों की रज भाव से मस्तक पर धारण करते हुए, आज का यह भाव तेरा तुझको सौंपते और क्या लागे है मोर। गुरु का कृपा प्रसाद, गुरु की कृपा से कण पाकर और ये भाव गुरु चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूं।